Next things again, what is the output of given example applications? In that case, we are supplying inside while condition directly I++. इस केस में लूप कब तक इटरेट होगा जब तक इस प्लेस पर नॉन जीरो वैल्यू फाउंड हो, जैसे इस प्लेस पर वैल्यू जीरो रिप्लेस हो देन कंडीशन कंसीडर होगा एज अ फॉल्स. प्लस वन मोर थिंग्स, इस केस में लूप को टर्मिनेट किससे कराया है, यूजिंग सेमी कॉलम्स. मीन्स इस टाइप के लूप को कंसीडर किया जाता है मोस्टली एज अ डमी लूप्स. What is the output of this program? इस केस में इनिशियली अगर आई के रिगार्डिंग बात करें, फर्स्ट वन आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, वन. देन फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगा, मीन्स वन के केस में पहले आई का वैल्यू व्हाइल कंडीशन में सप्लाई होगी. सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ इस केस में, पोस्ट है तो एवरी टाइम पहले रिप्लेसमेंट करंट वैल्यू वन है, इसलिए रिप्लेस क्या होगा, वन. रिप्लेस क्या कराएंगे, वन करंट वैल्यू. देन रिप्लेसमेंट के बाद इमीडिएटली आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम रिप्लेस क्या होगा, मीन्स वन के केस में कंडीशन टू. स्टार से लूप कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. फॉल्स कब हो, जब आई का वैल्यू जीरो रिप्लेस हुआ. नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू ऑलरेडी प्रीवियसली क्या हो चुका है, टू. तो इसलिए नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रिप्लेस क्या होगा, टू. देन पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री. नेक्स्ट वन अगेन, नेक्स्ट टाइम फिर से जब थर्ड टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे, बॉडी एम्प्टी इसलिए बॉडी एग्जीक्यूट करने की नीड नहीं है. नेक्स्ट टाइम फिर से कंडीशन टेस्ट करेंगे, आई का वैल्यू थ्री है, रिप्लेस क्या कराएंगे स्पेस पर, थ्री. इंक्रीमेंट होने से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर. इस टाइप से फाइनली कब तक चलेंगे, लाइक 32767. अगर आई का वैल्यू 32767 है, देन प्रीवियस केस में या प्रीवियस इटरेशन के केस में रिप्लेस क्या हुआ होगा स्पेस पर, 32766. दिस द करंट वैल्यू फॉर नेक्स्ट इटरेशन लाइक दैट. आई का करंटली डेटा टाइप सप्लाई किया जाए इंटीजर. इंटीजर के रिगार्डिंग में जस्ट इंटीजर का रेंज क्या है, -32768 to +32767. मीन्स 32767 से बड़ा नंबर एंटर करना या स्टोर कराना पॉसिबल ही नहीं है. 32767 के केस में इसका बाइनरी क्या है, 0 1 इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स कंपाइलर और 16 बिट्स. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 32767. देन इस केस में जब वन ऐड कराएंगे तो वन ऐड कराने केस में इसका एडिशन क्या आएगा, 1 ऑल टाइम 0. एडिशन केस में साइन बिट 1 फॉर्म करो इसलिए नंबर. नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा इस केस में. देन इसका डेसिमल क्या है, 2 to the power 15. मीन्स 32768. ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल्स में इस टाइप के बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके. मीन्स 32767 में जब भी वन ऐड कराएंगे नेक्स्ट टाइम अगेन वैल्यू क्या है इसका, 32767. 32767 के केस में रिप्लेस क्या होगा, 32767. देन इसके जस्ट बाद इंक्रीमेंट कराएंगे तो इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसकी नई वैल्यू क्या होगी, -32767. देन इस टाइप से अगेन फिर से एडिशन चलेगा लाइक देट, अप टू समथिंग -2 -1 -2 के केस में रिप्लेस क्या होगा, -2. देन इंक्रीमेंट होगा, -2 + 1 = -1. नेक्स्ट टाइम क्या रिप्लेस कराओ, 1. फाइनली सपोज दैट 1. अब करंटली आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स जब आई का वैल्यू अगर -1 है, -1 के केस में पहले क्या हुआ, रिप्लेसमेंट एज -1. देन -1 रिप्लेस करने का आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या हुआ, बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट i+1. -1 + 1 बिकम्स 0. दिस द करंट वैल्यू ऑफ i. फाइनली जैसे इस केस में आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, -1 रिप्लेस होने पर कंडीशन अगेन ट्रू है, इसलिए नेक्स्ट टाइम फिर से कंडीशन टेस्ट करेंगे. पोस्ट इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग पहले आई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 0. देन आई में जब इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. मीन्स रिप्लेस 0 हुआ लेकिन आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 1, जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट. 0 मीन्स कंडीशन फॉल्स. फॉल्स है कंट्रोल कांस्टेंट हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ आई बाई यूजिंग दिस प्रिंट एफ फंक्शंस. आई का वैल्यू क्या फंड 1, इसलिए आउटपुट क्या आएगा, 1. मीन्स इस टाइप के प्रॉब्लम्स में मीन्स आपको ऐसा लगता है लूप इनफाइनाइट टाइम जाएगा. मीन्स आई क्या है, इंटीजर वैल्यू, इसलिए इसका एक मैक्सिमम लिमिट है. मैक्सिमम लिमिट के बाद और आफ्टर सर्टेन इंक्रीमेंट ऑपरेशन कहीं ना कहीं आई का वैल्यू क्या हुआ, 0. जिसकी वजह से क्या आएगा इसके इसमें, 1. पोस्ट इंक्रीमेंट इसलिए पहले 0 रिप्लेस हुआ है, देन इंक्रीमेंट होने से आई का वैल्यू क्या हो चुका था, 1. दिस इज द केस फाइनल.